खट्टी मीठी कहानियाँ। बहू, घर में आम का अचार अब खत्म हो गया है। कल हमें दुकान जाकर 12 शीशी अचार के देने होंगे। हाँ माँ, मैंने आम को सूखने के लिए डाल दिया है। आज शाम को ही मैं गुड़ में आम को डालकर उबाल लूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो जब तक ठंडा नहीं होगा मैं शीशी में उसे भरूंगी कैसे? माँ, आज आप बाजार से आते वक्त आलू लेते आइएगा। घर में एक भी आलू नहीं। मुझे बाजार से आते वक्त देर हो जाएगी बहू। तुम एक काम करो, तुम जाकर राधू के दुकान से कुछ आलू लेकर आ जाओ। ठीक है। अरे अरे बहू रानी, आओ आओ, क्या चाहिए बताओ? 5 किलो आलू। इतना वजन तुम उठा लोगी? हाँ राधू चाचा, मैं ले जा पाऊंगी। हाँ वो तो उठाना ही पड़ेगा, अब ये तकदीर का ही खेल है। घर पे अगर मर्द ना हो तो सारा काम औरतों को ही करना होता है। खैर लाओ बैग लाओ। अरे इसकी किस्मत तो देखो, साल भर हुआ नहीं कि अपने पति को ही खा गई। अरे इसे किस्मत नहीं बदकिस्मती कहते हैं। शादी के तुरंत बाद ही तो इसके ससुर भी चल बसे। सच में सुबह सुबह तो इस कलमोही का चेहरा देखना भी पाप है। हाँ अब देखो दिन कैसा गुजरता है। अरे क्या हुआ, ऐसे मुंह बनाकर चुपचाप क्यों बैठी है बहू? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब तेरी आंख लाल हुई पड़ी है, जरूर तुझसे किसी ने कुछ कहा है। माँ मैं आज के बाद कभी भी बाहर नहीं निकलूंगी, कभी नहीं। क्यों? सब मुझे कलमोही कहते हैं। मेरा क्या कसूर है माँ बोलिए? नहीं तेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो भाग्य का लेखा था और वही हुआ। वो एक एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट एक्सीडेंट ही होता है, किसी के वजह से नहीं होता। तो फिर लोग मुझे इस तरह से क्यों कहते हैं? तुम लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकती ना, वो कहते हैं तो कहने दो, एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, एक बार सोच कर देख। नहीं माँ नहीं। नहीं कहने से होगा क्या? कितने दिनों तक तू ऐसे ही अकेली रहेगी? आप तो है ना। मेरे मरने के बाद तू किसके सहारे जिएगी बता? चुप कीजिए। कोई है घर पे? जरा सुनिए। आती हूँ। जी कहिए। नमस्कार, मेरा नाम विनय है। आपके साथ मुझे एक जरूरी काम है। कहिए। जी मैं एक सप्लायर हूँ और मैं विभिन्न प्रकार के आचारों को विदेशों में सप्लाई करता हूँ। मैंने आप सबों के बारे में बहुत सुना है और हाँ आपके आचार को भी चखा है। कमाल का है आपका आचार, एकदम लाजवाब। धन्यवाद। अगर आप तैयार हो तो मैं आप लोगों के साथ एक डील करना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अंदर आइए। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, बाकी के काम मैं कर लूंगी। नहीं बहू, विनय अभी आता ही होगा, और आचार उसे नहीं दिया तो? नहीं दिया तो नहीं दिया, आपकी तबीयत पहले है, विनय का आचार नहीं। ओहो तो गुस्सा क्यों हो रही है? वो लड़का बहुत अच्छा है, उस दिन मेरे लिए दवा भी लेकर आया था और तुझे भी बहुत पसंद करता है। इतना बकबक करेंगी तो आपकी खांसी बढ़ जाएगी, जाइए और जाकर सो जाइए। क्या बात है, लगता है आपको फिर से बुखार आ गया है। नहीं बेटा, अरे मेरी बहू ने मुझे काम ही कहाँ करने दिया, डांट डपट कर सुला दिया मुझे, अभी तक इतनी सारी शीशी। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, क्यों ना मैं ही आपकी बहुरानी की मदद कर दूं। वैसे अगर वो चाहे तो।
मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। देख लिया अम्मा जी, आपकी बौरानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, और इसके अलावा ये आपकी माँ कब से हो गई? अरे ये आप क्या कह रही हैं? वो क्या है कि बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, मैं अनाथ जो हूँ इसलिए। तो इसीलिए आपने मेरी माँ को अपनी माँ कहना शुरू कर दिया? अजीब बात है। ये देख, इतने दिन से घर पर थी और आज बाहर निकल आई। पता नहीं ये मुंह उठाकर क्यों चली आती है, इसका सजना सवरना भी कम नहीं होता। ये क्या आप? हाँ, क्यों, कोई असुविधा है? आप मेरे साथ साथ ऐसे चल क्यों रहे हैं? क्यों, आप मुझे पहचानती नहीं क्या? पहचानती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ साथ चलने लगेंगे। लो, अब ये रास्ता क्या सिर्फ आपके लिए बना है? अजीब है। तो देख रही हो, अपने लिए एक साथी भी खोज लिया है इसने। बेशरम कहीं की। आप लोग क्या मुझसे कुछ कह रही हैं? कहा नहीं, कहा नहीं तो। मैंने कितनी बार कहा है इससे, पर ये मेरी बात किसी हाल में नहीं मानती। अम्मा मैं सब जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं आपकी बहुरानी के बारे में। आपकी बहुरानी को कलमुही, पनौती, न जाने क्या क्या कहते हैं, और मैं उन सबको गलत साबित कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि ये सब कुसंस्कार है और कुछ नहीं। अब ये उसे कौन समझाए, बड़ी भोली है मेरी बहू, बार बार एक ही बात कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा। आप मेरी माँ है, आपके देखभाल की जिम्मेदारी आपके बेटे की है, यानी कि मेरी है। मुझे पता है बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बहू को मैं किसी हाल में भी राजी नहीं करवा पा रही। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। हाँ बोलो बोलो। जरूर जरूर, ये लीजिए आपकी फीस। धन्यवाद। इनकी हालत तो बहुत ही खराब है। मतलब? सच कहूं तो रोगी के सामने कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर सच्चाई यही है कि इनके दिन अब पूरे हो चुके हैं। ये जो खाना चाहती है इन्हें खिलाइए, ये जो करना चाहती है करने दीजिए, इनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। हाँ तो अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, उम्मीद है ये ड्रामा काम कर जाएगा। हाँ। बहू, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं करोगी? माँ, और कितने दिनों की मेहमान हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरी शादी देखकर जाना चाहती हूँ। लेकिन मुझसे वादा कर बहू। ठीक है माँ, वादा करती हूँ। अरे माँ, आप खुद उठकर क्यों आ गई? क्यों, मेरी बहू की शादी है और क्या मैं सोई रहूंगी? लेकिन आपकी तबीयत अच्छी नहीं है माँ। किसने कहा? क्यों जी डॉक्टर साहब, मैं बीमार हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। हाँ। मतलब कुछ नहीं, तेरी शादी हो इसीलिए बीमार होने का नाटक करना पड़ा मुझे।
माँ, आपने नाटक किया? तो और क्या करती मैं, अगर नाटक नहीं करती तो क्या मेरी बहू दोबारा शादी करती? For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.